प्रियांगु पांडे की गाड़ी पर बम और गोलियों से हमला हुआ है। ये वो स्कॉर्पियो है जिससे आप देखिए प्रियांगु पांडे जा रहे थे। सामने के शीशे पे आप देख रहे होंगे बम से हमला हुआ और उसके बाद शीशे पे ही 3 बुलेट्स के निशान हैं। आप देखिए ये पहला बुलेट का निशान है, 1, 2, 3 जो फायरिंग लगातार हुई है जिसमें ड्राइवर घायल हुआ है। वो ये जो बुलेट लगी है वो उसके सर के पास छूते हुए बुलेट निकली है। उसमें जो प्रियांगु पांडे का जो ड्राइवर था वो तुरंत घायल हो गया और उसके बाद ताबड़तोड़ इस पर बम से हमला हुआ है। शीशे की आप हालत देख रहे हैं, बुलेट्स के साफ तौर पर निशान दिखाई दे दिया जा रहा है कि किस तरीके से प्रियांगु पांडे पर हमला किया गया। प्रियांगु पांडे का आरोप है कि इस हमला करने वालों में रोहिंग्या बांग्लादेशी जो है वो तमाम लोग शामिल हैं। ये जो गोली है बुलेट, ये देखिए ये सीधे यहाँ से जो है ये इसमें फंसी हुई है बुलेट। ये देखिए आप बुलेट, ये जो शीशे के पास जो बुलेट लगी हुई है ये अभी भी यहाँ पर फंसी हुई है, यहाँ पर जहाँ पर गणेश की मूर्ति लगी हुई है। बुलेट आपको साफ दिखाई दे रही होगी कि ये बुलेट अभी भी इसमें फंसी हुई है। 1, 2, 3 स्पॉट है इस शीशे पे जो बुलेट्स के निशान साफ तौर पे दिखाई देते हैं कि किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उस फायरिंग में प्रियांगु पांडे को जान से मारने की कोशिश की गई थी। हालांकि प्रियांगु पांडे इस पूरी घटना में बच गए, लेकिन प्रियांगु पांडे का कहना है कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने बाकायदा फिल्मी स्टाइल में गाड़ी के सामने एक व्हील लगा के और उसके बाद अचानक से 20-25 लोगों ने हमला किया। पहले बम मारे 6-7 और उसके बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी। क्यों करना शुरू कर दिया किसी को नहीं पता, लेकिन प्रियांगु पांडे का कहना है कि यह पूरा घटनाक्रम पुलिस अधिकारियों के सामने हुआ। जिस वक्त पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे उस वक्त ये सारी घटनाएं हुई हैं और अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन यह घटना वाकई में दिल दहला देने वाली है। बुलेट साफ तौर पर अभी भी फंसी हुई है उसमें दिखाई दे रही है और इसी गाड़ी पे प्रियांगु शामिल होकर जा रहे थे तमाम लोगों से मुलाकात करने के लिए और उसके बाद इस घटना ने इस पूरे पश्चिम बंगाल में लोगों को आक्रोशित कर दिया है। भाटपाड़ा में अर्जुन सिंह लगातार इस पूरे घटना का विरोध कर रहे हैं। चंद्रभान सिंह के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, बैरकपुर। সারা বাংলাদেশে ডাক আমার দিদি বিচার পাক। देखिए बीजेपी नेता पर हमला कैसे किया गया, बीजेपी नेता पर कैसे टारगेट किया गया, बीजेपी नेता की गाड़ी को कैसे टारगेट किया गया, ये आपने देखा। अब प्रियांगु पांडे जिनकी गाड़ी पर हमला किया गया या जिनको टारगेट किया गया वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर उन पर हमला किया गया। पुलिस ने बाकायदा उनकी सिक्योरिटी हटाई थी और पुलिस ही है जो मेरी जानकारी हमलावरों तक पहुंचा रही थी। आप सुनिए प्रियांगु पांडे ने क्या क्या बताया। एक दिन पहले छात्रों का उग्र प्रदर्शन और दूसरे दिन बीजेपी ने आधे दिन का बंद का आह्वान किया। इस वक्त हमारे साथ अर्जुन सिंह जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, बंद का आह्वान हुआ है लेकिन आपके इलाके में तो गोलीबारी हो रही है। हमारे बीजेपी ने बंद का आह्वान किया लेकिन भाटपाड़ा में गोली चल गई और प्रियांगु पांडे जो बीजेपी के लीडर हैं इनके ऊपर फायर तक के हुआ। प्रियांगु पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रियांगु जी, किस वक्त आपके ऊपर फायरिंग हुई है और ये कौन लोग थे फायरिंग करने वाले? सुबह 8:15 में मैं अपने निवास स्थल भाटपाड़ा से बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह जी के ऑफिस की ओर आ रहा था। यहाँ से ही 8:30 बंद के समर्थन में एक हमारी रैली निकलनी थी, हम अपनी 4 गाड़ियों को लेकर आ रहे थे। घर से निकले 3 मिनट मात्र हुआ होगा, एंग्लो इंडिया जूट मिल क्रॉस करके एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के पास पहुंचा हूं। ठीक उसी समय लोकल म्यूनिसपालिटी भाटपा नगर पालिका की एक जेटिंग मशीन आकर के रास्ते को घेर देती है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती, गाड़ी हमारी रुक जाती है। ठीक उसी समय लाइन बाउंड्री से 50 से 60 लोग निकलते हैं और लगातार बम चलाना शुरू करते हैं। पूरा धुआं धुआं हो जाता है, कुछ भी दिखता नहीं है। एक गाड़ी पे मेरा फ्रंट पे जो बम गिरा था वो बम फटा नहीं है, बाद में पुलिस को मिला भी है, मैं देख रहा हूँ रिकवरी की है दो बम को। उसके बाद जैसे रिवर्स करके हम लोग जो है प्लान करते हैं निकलने का, तब तक जो है गोलियां चलना शुरू होता है। एकदम फ्रंट पे मेरे आ करके 3-3 गोलियां मेरे जो है एकदम फ्रंट कांच के पास आके चलाया है। एक गोली जो है डायरेक्टली मेरे ड्राइवर को एकदम सर में यहाँ पर टच करते हुए निकला, दूसरी गोली हमारे पीछे बैठे हुए थे हमारे सहकर्मी, हमारे मित्र हैं, भाई हैं, रवि सिंह जी को, और तीसरी गोली जो है गाड़ी के सामने ही कांच में एकदम पड़ी हुई है, अभी भी सब लोग गाड़ी में देख पा रहे हैं। तो ये 3 गोलियां सामने चलती है, बाकी अनगिनत गोलियां चलना शुरू होती है, चारों गाड़ी की स्थिति जर्जर हो जाती है। 500 मीटर रिवर्स में लोग गाड़ी करके भागे हैं और वहीं पे पास में एसीपी खड़ा था लेकिन सामने नहीं आया। ये टोटली जो घटनाक्रम है ये 3 मिनट के अंदर जो है नहीं हुई है, ये पहले से प्री प्लान था। उन लोगों को पता था सुबह 8:30 हमारा रैली होना है समर्थन में,
वो जान रहे थे मैं जरूर अपने घर से निकलूंगा, और इसी को जो है ध्यान में रखते हुए जैसे मैं निकला हूँ कोई ना कोई लोग जो है टिप दिए, चाहे वो पुलिस का आदमी हो चाहे कोई हो, और ये क्रिमिनल जो है सामने आया, जो भी क्रिमिनल थे वो सब जो यहाँ के जगत दल के एमएलए हैं सोमनाथ श्याम, और बैरकपुर का जो यहाँ का एमपी है पार्थो अमिक, इन्हीं के साथ जो है मिचिल मीटिंग में घूमने वाले लोग हैं, इन्हीं के साथ रहने वाले लोग हैं, इन लोगों ने टोटल अटैक किया है। और इस पूरे घटना में यहाँ के सांसद और जगत दल एमएलए के साथ साथ पुलिस भी जुड़े हैं। ये टोटल चक्रांत था मेरे मर्डर करने का। मैं बताया इसमें रोहिंग्या मुस्लिम्स शामिल थे जो जिन्होंने फायर किया। टोटली रोहिंग्या है, आरिफ नाम है, नसीम नाम है, ठीक है, बक्का बोल के एक लड़का है, ठीक है, अंडा है, ये सब लड़के थे चिन्हित होकर के हमारे पास आए हुए हैं। हाँ, टोटली ये लोग जो थे, और यही लड़के लोग जो है फ्रंट पे थे, लेकिन और भी लोग 50 से 60 लोग थे, और सभी के हाथ में जो है बम और मशीन था। आप जो भी फोटो वीडियो देखे होंगे, देखे सब में मशीन है। सौभाग्य के हमारे पीछे ही जस्ट बैठा हुआ मेरा भाई है, वो तुरंत वीडियो पोजीशन में जो है मोबाइल को चालू कर दिया था, बोल के कुछ वीडियो मिल भी पाया, नहीं तो ऐसी परिस्थिति में कहां से हम लोग वीडियो और फोटो लाते हैं। आपकी हत्या करने की साजिश थी, हत्या करने पूर्ण रूप से मर्डर करने का प्लान था। बंगाल की सुरक्षा मेरे पास तो विड्रॉ हो गई, पहले सुरक्षा कम किया गया, बाद में टोटली विड्रॉ कर लिया गया, और आज ये घटना घटी।